अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। लेट्स स्टार्ट ओवर टू डेज वर्क। ओपन योर न्यू ऑक्सफोर्ड प्राइमरी साइंस। नाउ वी आर गोइंग टू डू वर्क ऑफ प्राइमरी साइंस, साइंस रीडिंग बुक। ओपन योर साइंस रीडिंग बुक एंड द पेज नंबर इज 21। पेज नंबर इज 21। आवर टॉपिक इज प्लांट्स एंड देयर पार्ट्स। यूनिट नंबर 3, प्लांट्स एंड देयर पार्ट्स। पेज नंबर 21, स्टार्ट ओवर रीडिंग। टुडेज आवर टॉपिक इज सीड्स। सम फ्रूट्स हैव ओनली वन सीड। कुछ फल ऐसे होते हैं जिनमें सिर्फ एक बीज होता है। सम हैव अ फ्यू सीड्स, जबकि कुछ ऐसे होते हैं जिनमें चंद सीड्स होते हैं, चंद बीज होते हैं। सम हैव मैनी सीड्स, कुछ ऐसे होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा होते हैं। सीड्स ग्रो इंटू प्लांट्स, और जो बीज होता है वो एक नया पौधा उग जाता है। यहाँ पे देखें, वन सीड वाला दिया हुआ है फ्रूट, वन सीड में प्लम दिया हुआ है, फ्यू सीड्स में ऑरेंज दिया हुआ है, जबकि मैनी सीड्स में आपको पोमीग्रेनेट्स दिया हुआ है। इसी तरह से मैनी सीड्स ग्रोस इंटू ट्रीज, कुछ जो सीड हैं वो उनसे पौधे बन जाते हैं, जबकि कुछ सीड्स जो हैं उनसे दरख्त बन जाते हैं। सीड्स कम इन ऑल शेप्स एंड साइजेस। सीड जो है, बीज हर एक के डिफरेंट होते हैं, सो ये हर शेप में होते हैं और हर साइज में होते हैं। ये आपके सामने पिक्चर में आपको एप्पल सीड्स दिखाए गए हैं, ये मेलन सीड्स हैं, ये वाटरमेलन सीड्स हैं। आप भी जब घर में कोई ना कोई फ्रूट खाते हैं तो आप भी उनका सीड देखते हैं। हर फल का सीड जो है वो डिफरेंट होता है। नट्स आर हार्ड शेल्ड फ्रूट ऑफ सम प्लांट्स। नट्स जो होते हैं उनकी शेल जो होती है वो हार्ड होती है कुछ पौधों की। दे हैव वन सीड एंड अ हार्ड शेल, उनका एक ही बीज होता है और एक सख्त शेल होती है, जैसे वॉलनट है, एलमोंड है, कैशू है। यानी इनके ऊपर जो इनके कवर होते हैं, इनके खोल होते हैं, वो बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं और टूटना इतना आसान नहीं है उनके लिए, यानी इतनी आसानी से नहीं टूटते। नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट चेक है कि हमने जहाँ तक जो पढ़ा है उसमें से कितना हमने किया है। कॉन्सेप्ट चेक है, आर दीज स्टेटमेंट्स ट्रू आर फॉल्स, कि ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है या फॉल्स है। पुट अ टी आर एफ नेक्स्ट टू ईच वन। आपने ट्रू के सामने टी और फॉल्स के सामने एफ पुट करना है। नंबर वन, लीव्स मेक फूड फॉर द प्लांट्स। लीव्स मेक फूड फॉर द प्लांट्स, पत्ते जो हैं वो पौधे के लिए खुराक बनाते हैं। दिस इज़ द ट्रू स्टेटमेंट, सो पुट द टी। नंबर टू, रूट्स टेक इन वाटर। रूट्स टेक इन वाटर, यानी जड़ जो है वो पानी लेती है। दिस इज़ द ट्रू स्टेटमेंट, पुट द टी। नंबर थ्री, ऑल ट्रीज हैव फ्रूट्स, तमाम के तमाम जो दरख्त हैं वो हमें फल देते हैं, उन पर फल लगता है। दिस इज़ द फॉल्स स्टेटमेंट, सो पुट द एफ। नंबर फोर, फ्रूट्स हैव अ स्किन ऑन अ आउटसाइड। फ्रूट्स के जो बाहर है वो स्किन होती है, फ्लैशी इनर पार्ट, और उनका फ्लैशी इनर पार्ट होता है। एंड सीड्स इन द मिडल, और उनके सेंटर में एक सीड होता है। सो दिस इज़ द राइट स्टेटमेंट, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं, सो पुट द टी। फर्स्ट के सामने टी आएगा, सेकेंड के सामने भी टी आएगा, थर्ड के सामने एफ, फोर्थ के सामने भी टी आएगा। दिस इज़ योर पेज, पेज नंबर 21। आपकी रीडिंग कंप्लीट हो चुकी है, कॉन्सेप्ट चेक हमने किया है। नेक्स्ट हम अब इसकी एक्सरसाइज करेंगे। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड।